आज खंडेलवाल धाम में वेद विद्यालय का शुभारंभ हुआ है और इस विद्यालय के माध्यम से भारतीय संस्कृति और संस्कारों का अभ्युदय होगा और वेद विद्या के प्रचार से, वेदध्वनि के मंत्रों से सबका कल्याण होगा, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही वेद विद्या का मूल है कि भारतवर्ष का, संसार का सब प्राणी सुखी हो जाए, सभी निरोगी हो जाएं और सभी आनंद से ओतप्रोत हो जाएं। इस पावन भावना के साथ यहाँ पर खंडेलवाल धाम में सृष्टिजनों के द्वारा जो पुनीत कार्य किया गया है और निश्चित रूप से स्तुत्य और प्रशंसनीय है। वेद विद्यालय का शुभारंभ हुआ है और मैं समझता हूँ कि वेद और शास्त्रों की पढ़ाई जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी किसी और पढ़ाई नहीं है। आज वेद और शास्त्रों की पढ़ाई जो लुप्त होती जा रही है उसको जीवंत रखने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए वेद विद्यालयों का स्थापित होना और इनका सुचारू रूप से चलाया जाना बहुत ही आवश्यक है। हमारे जितने भी वेद हैं, वेद हमारे जितने भी शास्त्र हैं, उनसे ही सारी सृष्टि का निर्माण का, सृष्टि का संचालन का निचोड़ है। और हमारे चारों वेदों में ऐसी कोई बात नहीं है जो कि आज की साइंस या आज की टेक्नोलॉजी में नहीं हो। हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी वाले खुद आज वेदों का अध्ययन करके ये बता रहे हैं कि वेद और जो बनाए गए हैं भारत में, जो कि बहुत प्राचीन हैं, जो कि आज के नहीं हैं, 5,000, 6,000, 7,000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, उनका अध्ययन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और मानव जाति का कल्याण हो सकता है। और भारत में ही नहीं, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए वेदों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। मैंने अब जो वेद विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे उनको, उनका कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1,00,000 रुपया की एक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मैं उनके घोषणा कर रहा हूँ और उनको दी जाएगी। मैं ऑलरेडी जो तिरुपति में वेद विद्यालय है वहाँ पर हर बच्चे को इस तरह का प्रोत्साहन राशि दे रहा हूँ और 300 बच्चों को तिरुपति में वेद विद्यालय जो पढ़ रहे हैं उनको राशि दे चुका हूँ। और यहाँ पर जो वेद विद्यालय पढ़ेंगे उनको सबको जो पास होकर जाएंगे 1,00,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यहाँ दोनों ही शिक्षा मिलेगी, माध्यमिक शिक्षा भी मिलेगी और वेदों का अध्ययन भी कराया जाएगा। आज वेद विद्यालय का उद्घाटन महाराष्ट्री और आदरणीय श्रीमान आरसी गुप्ता साहब ने किया। ये हमारे मुख्य कार्यक्रमों में से एक है और संस्कृति, भारतीय संस्कृति को बढ़ाने में हमारा जो भी योगदान हो सके हम करेंगे। आज आरसी गुप्ता साहब ने, जो भी वेद विद्यार्थी यहाँ से पढ़ के निकलेगा 1,00,000 रुपये की पुरस्कार दिया जाएगा उसको, बहुत बड़ी घोषणा है। और हम चाहते हैं ये वेद विद्यालय पूरे हिंदुस्तान में अपने आप में एक आदर्श वेद विद्यालय हो और लोग यहाँ पढ़ने के लिए आवें और यहाँ कंपटीशन हो पढ़ने के लिए, हमारी यही इच्छा है। जल्दी ही धाम अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और हमको लोगों से सहयोग भी मिल रहा है और आपने देखा होगा अभी द्वारका बद्रीनाथ धाम बन रहा है और द्वारकाधीश धाम की घोषणा हो गई है। तो ईश्वर ने चाहा, हमारी कुलदेवियाँ हैं 37 यहाँ पे, भगवान गणेश जी, हनुमान जी, शिव जी, काल भैरव, माता सरस्वती और गंगा, माता गंगा, सभी के मंदिर यहाँ बन चुके हैं। भगवान ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही हम चारों धाम के चारों मंदिर भी बना करके और इसको धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में पूरे हिंदुस्तान में स्थापित कर पाएंगे, ऐसी हमारी कामना है। अभी शुरू में अपने विद्यालय में 7 विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है और मैक्सिमम हम 10 कर सकते हैं इस साल में राजस्थान संस्कृत अकादमी के हिसाब से। तो अगर मान लो 3 और विद्यार्थी, कोशिश करेंगे आ जाएँ, आ रहे हैं अभी भी 2 विद्यार्थी बैठे हैं प्रवेश के लिए, पर मिनिमम 6ठी क्लास को हम लेंगे, 6ठी क्लास से ऊपर ही पढ़ाएंगे, उससे कम वालों को नहीं लेंगे, क्योंकि ये 5 साल का कोर्स है, 2 साल का फिर आगे का फिर होगा कोर्स। तो पूरा प्रयास करेंगे हम, पूरा 7 साल का यहीं कराएं, 12वीं तक की कक्षा यहीं पर पढ़ाएं। और जो भी विद्यार्थी निकले रोजगारोन्मुखी, उसको निकलते ही रोजगार मिले, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। उसको बेरोजगार ये नहीं गए, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे कहीं
कुछ लोगों को तो हम भी 40-50 लोगों को तो हम भी रोज़गार देंगे यहाँ पे, और बाकी जो बचेंगे उनको हम पूरे देश में या विदेश में जहाँ भी आवश्यकता होगी हम भेजेंगे। और विदेशों में भी हमारे संपर्क हैं, वहाँ ब्राह्मणों की बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं उनकी बहुत आवश्यकता है, और हमारे पास कई बार डिमांड आती है कि अच्छा विद्यार्थी जो हो, अच्छा पढ़ा हुआ विद्वान हो, उसको हमारे पास भेजो। विदेशों में भी डिमांड है, हम प्रयास करेंगे ये लोग वहाँ भी जाएँ और अच्छी आजीविका के रूप में अच्छा कमाएँ, यही हमारी इच्छा है।